Hello students, welcome to the OGI. I am Rohit Srivastava and I am going to take the first class of C language. So here we go, let's start. सबसे पहले हम समझते हैं कि C programming language. हम यहाँ पर programming language सीखने वाले हैं जिसका नाम है C language. Proceed करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि language क्या है. So let's understand what is a language. A language is the system of communication. We can say language is a structured system of communication. A language in a broader sense is the method of communication. मतलब अगर आसान भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करें तो कोई भी भाषा जो होती है वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का एक मीडियम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या किसी के इंस्ट्रक्शंस को हम सुनते हैं. मतलब अगर कोई भी काम को मैं करना है या किसी को कोई ऑर्डर देना है किसी को कुछ कोई इंस्ट्रक्शन करना है तो किसी ना किसी भाषा में हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं आदेश देते हैं तभी वह काम करता है. यही नियम यानी सेम रूल हमारा कंप्यूटर मशीन पर भी लागू होता है. अगर हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से अपनी मर्जी का कोई काम कराना चाहते हैं इफ़ वी वॉन्ट टू परफॉर्म एनी टास्क बाय द कंप्यूटर मशीन वी हैव टू इंस्ट्रक्ट दैट मशीन. मतलब हमें उसको आदेश देना पड़ेगा और ये आदेश ही हम जिस भाषा में देते हैं उसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. यहाँ पर हम सी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग. अगर प्रोग्रामिंग को समझाएं हम तो प्रोग्रामिंग को एक डेफिनेशन से इस तरह से समझा सकते हैं. प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय विच वी गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क. यानी कि प्रोग्रामिंग क्या है एक आदेशों का एक समूह है जिसके द्वारा हम अपने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से बातचीत करते हैं और उसको कोई भी कार्य करने के लिए आदेश प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो अपने कार्य को करता है. अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारी सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज क्या है एक आपकी बी लैंग्वेज का ही आपका एंसेस्टर है यानी कि बी लैंग्वेज के बाद में डेवलप हुई हमारी सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस हाई लेवल कंपाइल्ड लैंग्वेज है जो कि डेनिस रिची के द्वारा 1972 में बनाई गई. इसका मेन पर्पस था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्डअप करना. मतलब कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे हम पूरे सिस्टम को चलाते हैं उसको बिल्ड करना उसको डेवलप करना. तो प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज होती थी जिसमें हमारी मशीन लैंग्वेज यानी जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं और असेंबली लैंग्वेज होती थी. ये भाषा बहुत ही कठिन होती थी प्रोग्रामिंग करने में और दूसरों को समझाने में. यानी कि इनकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें बहुत सारे हार्डवेयर पर डिपेंड होना पड़ता था. हार्डवेयर की नॉलेज चाहिए होती थी उसके बाद ही हम किसी भी सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते थे. उसके बाद हमें ज़रूरत हुई कि ऐसे हम कई सारे डेवलपर्स को बनाएं जिसको जिसमें हमें प्रोग्रामर्स को बनाना आसान हो. यानी कि प्रोग्रामर्स जितने ज़्यादा प्रोग्रामर होंगे हमारे उतनी ही ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी. तो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए अब इन फीचर्स को और भी आसान बनाने के लिए हमें आगे जो बहुत सारी लैंग्वेज हमें डेवलप करनी पड़ी मशीन लैंग्वेज के बाद में. मशीन लैंग्वेज के बाद हमारी असेंबली लैंग्वेज आई थी जिसको हम न्यूमेरिक कोड में रिप्रेजेंट करते थे. इसके लिए हमें एक असेंबलर की ज़रूरत पड़ती थी. उसके बाद हमारी सी लैंग्वेज डेवलप हुई. इसका रीज़न मेन ये था कि इसमें हम मोस्टली इंग्लिश के जैसे ही वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान इफ़िशियंट और इजी टू अंडरस्टैंड हो गई और एग्जीक्यूशन भी इसका काफ़ी फास्ट हो गया. सी प्रोग्रामिंग में हमारे जो लाइन ऑफ कोड होता है वो बहुत ही कम होता है यानी कि जो लेंथ ऑफ कोड होती है बहुत ही कम होती है और आसानी होती है समझने में. इसीलिए हमें सी लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर प्रीवियसली देखेंगे तो हमें एक सेम कोड करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे अलग अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी. यानी कि एक ही सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर एक लैंग्वेज से बनाया गया है वो दूसरे पे हम नहीं चला सकते थे पोर्टेबल नहीं हुआ करता था. तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी ऐसी लैंग्वेज की जो हाईली पोर्टेबल हो जिसको आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पोर्ट किया जा सके. मतलब कि एक कंप्यूटर बनाए गए हमारे कोई भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो दूसरे कंप्यूटर पर भी उतनी ही आसानी से चल जाएं बिना किसी एडिशनल मॉडिफिकेशन के. सो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. मतलब हम सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई इसके थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं. तो सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई हमारी लो लेवल लैंग्वेज थी जिसमें
अगर सी का सिर्फ इतिहास देखा जाए, सी की सिर्फ हिस्ट्री देखी जाएगी, तो सबसे पहले इसमें हमारी एल्गो 60 जो कि 1960 में आई थी, एक इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद हमारी लैंग्वेज आई CPL, इसको बोलते थे कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि 1963 में आई। और इसके बाद हमारी लैंग्वेज थी BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमारी 1967 में आई। और इसके बाद हमारी B लैंग्वेज आई, जिसको केन थॉम्सन एंड बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था 1970 में। उसके बाद डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए 1972 में। वैसे तो ये 1969 में ही तैयार हो गई थी, इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने में इसको टाइम लगा, और 1972 में ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई, क्योंकि उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आ चुका था और सभी को ये लैंग्वेज हर जगह सिखाई जाने लगी थी। प्रोफेशनल और एजुकेशनल पर्पज से इस लैंग्वेज का यूज़ होने लगा था। सी लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसलिए हमने टोटल जो लैंग्वेज हैं उनको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज आपके लेवल्स क्या हैं? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज हैं जिसको सिर्फ मशीन समझता है, जिसमें हमारी मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी एंड असेंबली लैंग्वेज आती है, जिसके लिए हमें कोड बहुत ज़्यादा लेंदी करना पड़ता है। इसके बाद हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जिसमें आपकी C++, पाइथन, पर्ल, रूबी, कोबोल, पास्कल और आपकी जावा, PHP, ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जिसमें हमारे कोड को बहुत ही आसानी बना दिया। लेकिन सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है, क्योंकि ये हमारी असेंबली लैंग्वेज का कम्बिनेशन है और हाई लेवल का कम्बिनेशन है। मतलब सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा गया कि ये एक कम्बिनेशन है लो लेवल फीचर्स एंड हाई लेवल फीचर्स दोनों के। ये एक आपके असेंबली कोड को भी सपोर्ट करता है और हमारे हाई लेवल फीचर्स को भी सपोर्ट करती है, इसीलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है। आइए अब बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स की। तो इसमें हमारे क्या क्या फीचर्स हैं? नंबर एक, फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग है किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स को करने के लिए, यानी कि आप किसी भी तरीके के किसी भी पर्पज़ से अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि ये जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है। इसलिए कोई इसका ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके के एप्लीकेशन इससे बना सकते हैं, इसको कई तरीके के एप्लीकेशन में को इम्प्लीमेंट किया सकता है इस सी लैंग्वेज के द्वारा। तो सेकेंड है हमारी, ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारे बिल्ट इन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स, जो इसको बहुत ही पावरफुल बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है स्मॉल इन साइज, मतलब हमें क्योंकि इसमें लाइब्रेरी फंक्शंस पहले से मिल जाते हैं, हमारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, हमारे डेटा टाइप्स मिल जाते हैं, कीवर्ड्स मिल जाते हैं, इसीलिए इसका साइज बहुत ही छोटा हो जाता है और कोड करने में हमारा लाइन ऑफ कोड है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है। इन द फोर्थ पॉइंट इज मॉडुलर डिज़ाइन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ मॉडुलर डिज़ाइन। मॉडुलर डिज़ाइन इन द सेंस, हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि किसी भी एक चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे हम एक ही प्रोग्राम, एक ही सॉफ्टवेयर में अपनी अलग अलग लाइब्रेरीज बना सकते हैं, जिसका इम्प्लीमेंट हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम फंक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ही बार में प्रोग्राम को ना करके हम अलग अलग प्रोग्रामर्स को अलग अलग कोड दे देते हैं और वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करके बाद में इसको एक जगह लिंक कर देते हैं, जिससे हमारा कोड जो है वो मॉड्यूलर हो जाता है, मतलब कि अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। द फिफ्थ पॉइंट इज पोर्टेबिलिटी। सी लैंग्वेज इज हाईली पोर्टेबल, दैट्स वाई इट इज वेरी कॉमन टू यूज एंड वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन को, आपके सिस्टम को, आपके प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाते हैं। मीन्स इट इज़ नॉट मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ये मशीन पर डिपेंड नहीं करती है, इसके लिए हमें किसी तरीके का हार्डवेयर को एनालिसिस नहीं करना पड़ता है और हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। इसके लिए हमें किसी भी तरीके की कोई भी हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मीन्स हमें किसी भी तरीके का अगर सिस्टम मिलता है जिस पर हम सी प्रोग्रामिंग आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट नोइंग एनी हार्डवेयर डिटेल्स। नंबर सिक्स पॉइंट, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लो लेवल फीचर्स एंड हाई लेवल फीचर्स, क्योंकि ये दोनों के ही फीचर्स रखती है, इसीलिए इसकी ये भी एक इसकी विशेषता है कि हम इसमें असेंबली लैंग्वेज कोड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज वेल एज एनी हाई लेवल लैंग्वेज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़
यूज़ ऑफ पॉइंटर्स, हम इसमें पॉइंटर्स को भी यूज़ करते हैं टू एड्रेस सम अनदर वेरिएबल्स वैल्यू, मतलब किसी भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करने के लिए हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, जिससे ये क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। नंबर नेक्स्ट है इफिशियंसी, इट इज़ वेरी इफिशियंट एज इफिशियंट लैंग्वेज इन डेवलपमेंट एंड एज वेल एज इन मशीन इफिशियंट, ये डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही इफिशियंट है और मशीन सिस्टम के लिए भी बहुत ही इफिशियंट है, इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जो है बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जो चीज़ के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस यानी कि उसकी कुछ कमियां भी होती हैं, तो सी लैंग्वेज में कुछ कमियां हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स को सपोर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सूटेबल नहीं हो पाता है, इसका डेटा स्ट्रक्चर इतना सूटेबल नहीं है कि हम इस पर न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर पाएँ। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि बाउंड चेकिंग है, जो हमारे एरे होते हैं, अगर कंबिनेशन ऑफ एक आपके कई सारे एलिमेंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को ये सपोर्ट नहीं कर पाता है, उनकी बाउंड चेकिंग नहीं कर पाता है, तो ये इसकी एक कमी। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में एक थर्ड पार्टी टूल होता है जो कम्युनिकेशन करता है, मतलब अगर मैं आपसे सिंपली हिंदी में बात करूं तो आपको समझ में आती है, अगर कोई भी आप हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी ही समझेंगे, जो कि आपकी लोकल लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर किसी हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपसे बात करते हैं तो आपको ईजिली समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको किसी ना किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। सी लैंग्वेज भी आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर नहीं समझता है, इसीलिए हमें एक थर्ड पार्टी टूल यानी कि एक थर्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल कोड, सोर्स कोड को एक मशीन कोड में, यानी जो कोड आपने लिखा वो हाई लेवल कोड है, ह्यूमन रीडेबल कोड होता है जिसको सिर्फ इंसान ही पढ़ सकते हैं, मशीन नहीं पढ़ सकती, उसको कन्वर्ट करता है ये मशीन कोड में, जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर दिस इज इनफ फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके एडवांस फीचर्स बताएंगे, सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर बताएंगे, सी प्रोग्राम कैसे होता है आपका, इस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।